तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट जलेबी और फाफड़ा की रेसिपी। जलेबी की मिठास और मिर्ची का तीखापन और इन दोनों के टेस्ट को बैलेंस करता हुआ हमारा फाफड़ा। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी चीनी ले लेंगे और इसमें 3/4 कप पानी डाल देंगे। और अब जलेबियों को कलर देने के लिए हमने 2 पिंच येलो फूड कलर लिया है और इसे अब हम अच्छे से मिला देते हैं। इसमें 1 इलायची को क्रश कर डाल देंगे। चीनी और पानी का मेजरमेंट पूरा है, इसलिए हमने चाशनी को धीमी आंच पर चीनी घुलने तक ही पकाना है। इतनी चाशनी बन रही तब तक हम जलेबी का बैटर बना लेते हैं। तो जलेबी बनाने के लिए हम एक बर्तन में 1 कटोरी मैदा ले लेंगे। आधी छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डाल लेंगे। इनो फ्रूट सॉल्ट हमने इसलिए लिया है ताकि इस पर इंस्टेंट खमीर आ सके। 1.5 चम्मच के करीब घी डाल लेते हैं। मैदे में घी और इनो को अच्छे से मिला लेंगे और इसकी अच्छे से मोइंग करेंगे। हमारे तीनों इंग्रेडिएंट अच्छे से मिल गए हैं और मुट्ठी में बांधने पे ये बन भी रहा है। तो इसका पानी के साथ बैटर बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर ही हम इसका बैटर बनाएंगे ताकि इसमें लंप ना बने। बैटर को 1 मिनट तक फेंट लेंगे ताकि इनो डीएक्टिवेट हो सके। इनो का डीएक्टिवेट करना ज़रूरी है, नहीं तो जब हम जलेबी तलेंगे तो वह बहुत ज़्यादा फूलेगी और घी को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। बैटर हमारा तैयार है, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। तो हम चाशनी को भी देख लेते हैं। चीनी घुल चुकी है तो यानी ये तैयार है। बाकी हम इसका छूकर भी देख लेते हैं। छूने पर अगर ये चिपचिपी लगती है तो यानी तैयार है। तो ये चिपचिपी यानी ठीक है। आज मैं जलेबी बनाने के लिए इस पॉलीथीन का इस्तेमाल करूँगी। तो अब 1 गिलास में इस पॉलीथीन को सेट कर लेते हैं ताकि हम इसमें अपना बैटर डाल सकें। इसमें बैटर डाल लेते हैं और आप चाहें तो पाइपिंग बैग का इस्तेमाल भी जलेबी बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसको रबड़ से सिक्योर कर लेते हैं। आगे छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हम अपनी जलेबी बना सकें। घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आप जलेबियों का बहुत ही अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो इसे घी में ही बनाएं। जलेबी बनाने के लिए हमें घी तेज़ गर्म चाहिए। तेज़ गर्म होते ही हम जलेबी बनाना शुरू कर देंगे। तेल हमारा तेज़ गर्म हो गया है, चलिए जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाते वक्त हम आँच को धीमा कर लेंगे क्योंकि जलेबी बनाते समय हमारे हाथों पर सेक लगता है गर्म घी का। जलेबी बनाकर वापस से आँच को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच पर ही अपनी जलेबी को हम सेक लेते हैं गोल्डन होने तक। जलेबियाँ फ्राई हो चुकी हैं तो इन्हें निकालकर साथ के साथ चाशनी में डाल लेते हैं। अब हम जलेबियों को 10 से 12 सेकंड के लिए इसी तरह डिप करके छोड़ देंगे और फिर इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी जलेबियों को तैयार कर लेते हैं। जलेबी हमारी तैयार है, उसमें चाशनी भी अच्छे से भरी हुई है। तो अब हम फाफड़े की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। फाफड़ा बनाने के लिए हम 1 बर्तन में 1 कटोरी बेसन ले लेंगे। तो अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी और 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हमने हाथ से क्रश कर इसमें डालना है। और अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। और अब हम बेसन में मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे। बेसन थोड़ा सा ही पानी लेता है गूंदने के लिए। 3 से 4 चम्मच पानी से हमारा डो लग जाएगा। डो हमारा तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल बनाकर इसको ओवल शेप देंगे और सारी डो की ऐसे ही हम बॉल बना लेंगे। फाफड़ा बनाने के लिए मैंने चकला ले दिया, इस पर हम डो रखा और इसे अपनी हथेली की सहायता से आगे खींच दिया। एक ही बार में हमने खींच देना है और ये देखिए कितनी अच्छी शेप बन गई है। अब चाकू की सहायता से निकालेंगे। हमने चाकू को टेढ़ा नहीं रखना, सीधा रख के एकदम से निकाल देना है। और इसी तरह से बाकी फाफड़े भी हम तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया फाफड़े के लिए। हमें तेल को मीडियम हॉट गर्म करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो हमारा फाफड़ा डालते ही सिक जाएगा और वो अंदर से कच्चा रहेगा। तो अब हम थोड़ा सा डो डाल के देख लेते हैं। ये ऊपर आ गए तो यानी हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने फाफड़े डाल देते हैं और धीमी आंच पर हम इन्हें सेकेंगे। गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। फाफड़े अब सिक चुके हैं तो अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। और अब बाकी के फाफड़े भी हम इस तरह सेक लेंगे। और लास्ट में अब हम ये मिर्ची फ्राई करेंगे। तो हमने मिर्ची के बीच में चीरा लगा देना है, उनकी डंडियों को भी निकाल देना है। अब एक पैन में हमने 1 चम्मच तेल ले लेना है।
अब हम सारी मिर्चों को इसमें डाल देंगे और अलट पलट कर सेक लेंगे तब तक जब तक इसमें फ्राई करने के पैचेस नहीं आ जाते अच्छे से। फ्राई मिर्चों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक और नींबू को छिड़क कर हम तैयार कर लेते हैं। जलेबी और फाफड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया।